मैंने केबीएस का इंटरव्यू दिया हुआ है। जो आसान है वहाँ भीड़ बहुत है, इसी इंस्पायरिंग लाइन के साथ हम मॉर्निंग की स्टार्टिंग करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपको सीन दिखाई दे रहा होगा मेरे स्कूल के बाहर का, और मैं यहाँ अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। हाँ, जाते ही मैं स्टडी नहीं स्टार्ट करी थी, आज मुझे बहुत वर्क था स्कूल में तो उसको मैंने किया था, और उस वर्क को ही मैं कर रही थी और मैंने आकर के स्टडी करी। तो आज मैंने स्टडी में मैं ईवीएस के पोर्शन को कंप्लीट कर रही हूँ। ईवीएस में जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया हुआ था कि मैं एनसीईआरटी अब कंप्लीट करने वाली हूँ, तो एनसीईआरटी को मैं कंप्लीट करूँगी। आज मैंने क्लास 7th के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को टच किया हुआ है, तो मैं आज आपको उसकी शॉर्ट ब्रीफ देने वाली हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आज हमारे स्कूल में ना चाय मिलना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ठंड थोड़ी बढ़ रही है। तो चाय मिलने के साथ में ही, और मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही थी, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही थी, और उसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी लाइन है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स बनाते जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने अच्छे फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ में मेरी चाय भी कंप्लीट हो गई, और अब मैं अपने एनसीईआरटी को ओपन कर रही हूँ। एनसीईआरटी में मैंने क्लास 7th के साइंस का पोर्शन पिक किया हुआ है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का ये फाइल डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद जो है मैंने इसको रीड किया हुआ है और नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, और नोट्स प्रिपेयर करते करते मैं यहाँ रूम पहुँच गई। हुए थे संडे को, तो उसको निकाला हुआ नहीं था, तो अब मैं निकाल रही हूँ और उनको फोल्ड कर रही हूँ। टाइम तो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू मंडे से हमें लगना पड़ता है रेस की तरह, और साथ में हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन जो हमें मिलते हैं उसी में ही हम अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको फिर से अपना टारगेट रूटीन जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। ये केबीएस एस्पायरेंट हैं जो यहाँ पर मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, मैं अगर केबीएस एस्पायरेंट्स की परसेंटेज ज़्यादा आते हैं तो मैंने एक पोल भी सेट किया हुआ है कम्युनिटी टैब में, वहाँ पर जाकर के आप उसे पोल ज़रूर करिए। अगर ज़्यादा परसेंटेज आते हैं स्टडी केबीएस एस्पायरेंट्स के लिए, तो मैं केबीएस से रिलेटेड ही वीडियोस बनाने वाली हूँ, अदरवाइज़ मेरा स्टडी ब्लॉग चलेगा और डेली ब्लॉग चलेगा। और तो इससे आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, और मेरी वीडियोस देखने से आपको 10 या 15 मिनट्स का अगर आप टाइम देते हैं, तो एस्पायरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी वो फालतू वाला टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। मैं थोड़ा पोर्शन ज़रूर अपने स्टडी से रिलेटेड ऐड करती हूँ, ताकि उसे आप देखें तो आपके लिए भी रिवाइज हो जाए और कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर मिलेगा आपको उससे। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मैंने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 जो है क्वालिफाई किया हुआ है, और मैं केबीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने केबीएस का इंटरव्यू दिया हुआ है, जो टेम्परेरी जॉब के लिए आता है ना, उसके लिए दिया हुआ है। मेरा जैसे ही सीटेट क्वालिफाई हुआ था 2020 में, तो मैंने जो है सीटेट के लिए, मैंने केबीएस के लिए जो टेम्परेरी जॉब्स निकल रही थी उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो मैं यूपी गई हुई थी झांसी में, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था। तो मैं ये बता सकती हूँ कि केबीएस के टीचर्स जो है इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, और आपको अगर मैं गाइड कर रही हूँ, तो मैंने जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है केबीएस के लिए प्रिपरेशन की हुई है, नोट्स वगैरह भी मेंटेन किया है, लेकिन मैं अगेन बना रही हूँ, और इसके पहले जो मैं अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन एक सही वे पर जा कर के कर रही हूँ। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको कुछ गाइड कर सकती हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझे। तो अगर आप बोलेंगी तो मैं इंटरव्यू का भी टॉपिक शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में। उस टाइम पे मैंने दिया हुआ था इंटरव्यू, बट मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो टेम्परेरी होती है, और यूपी से दूर का वो आर्मी कैंटीन एरिया था, तो वहाँ पे रहना पड़ता, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसे शेयर करूँगी एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन डिमांड होगी तभी मैं करने वाली हूँ। अदर
और आपसे बातें करते करते मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। तो आपके भी साथ प्रिपरेशन के टाइम पे या कुछ वर्क करते टाइम बहुत सारे ऐसे लोग जो आएंगे जो बीच में बाधा डालेंगे, तो उनको इग्नोर करना सीखिए और अपने आप से लड़ाई करिए, अपने आप से युद्ध करिए कि हमें अपनी नज़रों में बेस्ट होना है और किसी और के सामने आपको कंपेयर नहीं करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है अपने अपने फील्ड में बेटर होता है। तो आपकी क्वालिटीज़ कुछ और है, किसी और की कुछ और है। तो अगर कोई आपको कुछ बोलता है, क्रिटिसाइज अगर करते हैं, उस क्रिटिसिज्म को अपने पास रखिए, क्योंकि वो हमारी निगेटिविटी को दूर करने ही आते हैं, और उन्हें इग्नोर करिए और आप अपने वर्क में लग जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब में भी ऑल टाइम वर्किंग हूँ, फिर उसके बाद आ करके मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और फिर सेल्फ स्टडी के लिए 1-2 घंटे में टाइम निकालती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग में, फिर मैं सोते सोते मुझे 1 बज जाते हैं। तो मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ एज अ वर्किंग हो करके, हाउस को भी संभालना, हाउस होल्डिंग वर्क करना, सब कुछ लेकर के चलना। तो आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप एस्पायरेंट हैं और सीरियस है अपनी जॉब को पाने के लिए। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने वर्क में लग गई थी, बट इसी के साथ में मैं आपको स्टार्ट करती हूँ अपना क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसे ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, आज मेरा NCERT का टॉपिक है क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये फूड के ही टॉपिक का है। EVS में जो आपके सिलेबस में गिवन है फूड, ये उसी से ही रिलेटेड है, जैसे EVS में फूड गिवन है तो उसी का ही पार्ट है। क्लास 8 तक मैं फाइनल टच करूँगी, तो मैंने NCERT का ऐप जो आपको मेंशन किया हुआ था उसी से ही मैंने PDF को रीड किया, कुछ वीडियोस भी देखा, और उससे जो है मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर की है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। और ये देखिए, मेरा इतने पोर्शन में जो है ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसकी मैं ब्रीफ नॉलेज आपको देने वाली हूँ, ताकि इस वीडियो से आपका कुछ बेनिफिट हो सके। जो भी एस्पायरेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है प्रोक्योर करते हैं अपने फूड को, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप को लेते हैं, उसे पैरासाइट्स बोलते हैं, और जिस पर वो क्लाइम करते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। तो मींस कसकटा को हम बोलेंगे पैरासाइट्स, और वो जिस पर क्लाइम किया हुआ है उसे हम बोलेंगे होस्ट। और इसका एक दूसरा एग्जांपल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, हिंदी में उसे घटपर्णी बोला जाता है। पिचर प्लांट जो है ऐसे घट की तरह उसका शेप होता है, घड़े की तरह शेप होता है, उसके ऊपर लिड जो होती है उसमें उसे ऐसे शेप में अट्रैक्टिव बनाया ही जाता है, और स्लिपरी होता है वो बहुत ज़्यादा, कि इंसेक्ट आकर के उसमें अट्रैक्ट हो जाए और स्लिप कर जाए और वो उसे अपना फूड बना लेता है। और फूड बना लेता है इट मींस वो अपने न्यूट्रिएंट्स को परिपूर्ण करने के लिए वह इंसेक्ट पर डिपेंड होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट ईटिंग करते हैं उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और सेप्रोट्रॉप्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जैसे कि फंगी सड़े हुए फूड में लग जाती है, जैसे ब्रेड सबसे अच्छे एग्जांपल है, उसमें लग जाता है। और फंगी जो है वो ग्रो करता है पिकल्स में, लेटर्स जो बहुत दिन तक रखे रहते हैं, अदर आर्टिकल्स में जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर में हो और लंबे टाइम के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेप्रोट्रॉप्स जो है फंगी कहाँ पे ग्रोथ करता है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में करता है। और सिम्बायसिस ऐसे ऑर्गेनिम्स जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं और एक दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं, मतलब वो दोनों के लिए ही इक्वली डिपेंड होते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सिम्बायसिस। सिम्बायसिस का भी एग्जांपल है फंगी। फंगी कुछ प्लांट्स के रूट्स में फंगी लगे होते हैं और प्लांट्स जो है उसे प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और टू द न्यू फंगस, और रिटर्न में फंगस उसे प्रोवाइड करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। रिप्लेनिश इट मीन्स कि ऐसे प्लांट्स जिनमें
एक क्रॉपिंग हो जाती है, मतलब एक पूरी फसल लग जाती है, तो दोबारा उसमें प्लांटिंग करने के लिए या फसल लगाने के लिए उसमें उतनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होती हो, पहले जैसे सॉइल जो है उतना ह्यूमस नहीं होता है, तो उसको हम ह्यूमस बनाने के लिए, सॉइल को फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए हम उसमें सब्सटेंस ऐड करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र मतलब खाद वगैरह डालते हैं। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो है न्यूट्रिएंट्स, उनमें कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन जो है सॉइल को इनरिच बनाता है, बहुत ही क्वालिटीफुल बनाता है। और इस तरह से एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो अपने फूड को खुद से नहीं बना सकता है, तो वो किसमें, किसकी रूट्स में लीव करते हैं, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स में वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं, इन रिटर्न वो प्लांट्स को फूड देते हैं और शेल्टर देते हैं ऐसे बैक्टीरिया। तो ये भी राइजोबियम किसका एग्जाम्पल हुआ, सिम्बायसिस का, दस दे है बस सिम्बायोटिक रिलेशन, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। हे फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया है क्लास 7th की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये फूड का ही टॉपिक है जो कि क्लास 7th में था, और अब मैं लास्ट क्लास 8th से पिक करूँगी, मैं देखूँगी कि अगर उसमें फूड से रिलेटेड कोई चैप्टर बचा हुआ है तो इट मीन्स क्लास 8th मैक्सिमम मैं जाने वाली हूँ, और मेरा NCERT जो है वो फूड चैप्टर से कंप्लीट हो चुका है। क्लास हूँ शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है उसका मेरा सेपरेट वीडियो गया हुआ है, उसे ज़रूर वॉच करिए। तो शॉर्ट नोट्स बना करके मैं उसे रिवाइज करती हूँ और आपके पास डिलीवर करती हूँ, तो मेरा डबल ट्रिपल टाइम जो है रिविज़न हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने टॉपिक्स को रेडी कर रही हूँ, मैं EVS के पोर्सन को कम्प्लीट करूँगी। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है मेरा कि मैं तब तक जो है कम्प्लीट कर लूँ इसको, EVS के पोर्सन को, और मैं फिर उसके बाद से मैं टेस्ट सीरीज़ लगाना चालू करूं, और जो रिमेनिंग है जैसे कि अदर सब्जेक्ट मैं नहीं लगा रही हूं अभी, हिंदी वगैरह मैं इसलिए भी नहीं लगा रही हूं क्योंकि मेरी सब्जेक्ट ही थी और इसमें मेरी कमांड अच्छी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा रही हूं, लेकिन आपको ज़रूर लगाना है अगर आपको आपके हिंदी वगैरह टच में नहीं है। मैं जैसे ट्यूशन क्लासेस भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे में बड़े बच्चे भी आते हैं, तो उनके सब्जेक्ट में ही मुझे ग्रामर एक्सप्लेन करना पड़ता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो मेरा वो टच में रहता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आपको लगाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज, टू कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट एवरीवन।